मीडिया में एंकर ही हैं जो देश में चल रहे मुद्दों को जनता के सामने रखते हैं अपने डिबेट्स या शोज के जरिए। आज हम कुछ एंकर्स के डिबेट्स या शोज देखेंगे कि उन्होंने पिछले हफ्ते में अपने डिबेट्स में किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, क्या जंगल महल ने बंगाल में सत्ता की नई लकीर खींच दी? दूसरा, कैमरे के सामने किसान नेता की गिरफ्तारी के मायने? तीसरा, किसान हाथ फैलाना छोड़े, बदले आंदोलन के तरीके? चौथा, क्यों केजरीवाल की सत्ता बर्दाश्त नहीं है मोदी को? पांचवा, अपराध और पूंजी पर टिकी राजनीति में मुंबई नेक्सस का खेल? भले ही किसान आंदोलन गोदी मीडिया के चैनलों पर खबर ना बन रहा हो, पर यह मुद्दा अभी भी कुछ पत्रकारों द्वारा उठाया जा रहा है। इस मुद्दे को पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी उठाया और इस मुद्दे पर वे काफी जानकारी भी दे रहे हैं। दोस्तों, आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा। यह महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए मायने रखता है क्योंकि इस देश की राजनीति से उम्मीद खो चुके लोग और जो भी आस राजनीतिक व्यवस्था को लेकर है उनको लेकर ही सवाल है, या फिर इस देश की राजनीति और दूसरी तरफ आंदोलन से लेकर कोई उम्मीद और कोई आस जो पाले हुए हैं उनको लेकर भी सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यही हो चला है, क्या इस देश के भीतर में वाकई कोई आंदोलन इतना बड़ा हो सकता है कि वह अपने तौर पर राजनीति को मत कर रख दे? और मथने का मतलब है कि उसके अपने उम्मीदवार, उसकी अपनी पार्टी, उसके अपने प्रचार के तरीके, बूथ मैनेजमेंट उसका अपना वोटरों तक पहुंचने का रास्ता, उसके जरिए जिस विचारधारा को भारत के सिस्टम का हिस्सा बनाने की सोच होगी, दरअसल उसी लाइन पर वह आंदोलन राजनीति में अंदर आता चला जाएगा। क्या वाकई ऐसी स्थिति संभव इस देश के भीतर में हो सकती है? अब बात करते हैं News24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, रात में लॉकडाउन, दिन में नहीं होता कोरोना। दूसरा, किसान आंदोलन अभी भी जिंदा है। तीसरा, कोरोना फिर लगाएगा अर्थव्यवस्था पर ब्रेक। चौथा, सरकार तैयार, किसान क्यों नहीं दे रहे प्रस्ताव। पांचवा, आंदोलन को जिंदा रखने के लिए प्रतीकों की तलाश। संदीप चौधरी भी अक्सर देश में चल रहे जरूरी मुद्दों पर चर्चा करते दिखाई देते हैं। इस बार उन्होंने भी किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दे पर डिबेट की और इस डिबेट में वे भाजपा नेताओं से सवाल करते भी नजर आए। सरकार जानती है MSP नहीं मिल रही है, ये सरकार के आंकड़े हैं। संदीप जी, मैं वही कहना चाहूंगा, देखिए ये जो कह रहे हैं अभी, इन्होंने अपने मतलब का आंकड़ा चुन लिया। देश में क्या स्थिति चल रही है, कोविड की क्या पोजीशन है, डिमांड सप्लाई की क्या पोजीशन है, उसको हम नहीं देखेंगे। हम सिर्फ अपने मतलब का देखेंगे। जहां आज उसकी हम बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं देखेंगे? मैं अपने मतलब का आंकड़ा क्यों नहीं देखूंगा? आंकड़ा गलत है कि सही है ये बताइए। संदीप जी, आंकड़ा सही है ना? संदीप जी, वेरीफाई करने का विषय है, साथ में ये भी देखने का विषय है कि आज मंडियों की व्यवस्था क्या है, पूरे देश में कितनी मंडी है, डिमांड सप्लाई क्या है। तो बता दो, मैंने 7,000 भी मंडियां नहीं है, 46,000 मंडी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, इस फाइनेंशियल ईयर में 2020-21 में जहां 60,000 करोड़ का धान परचेज हुआ है, 318 लाख मेट्रिक टन, सिर्फ पंजाब में 202.77 लाख मेट्रिक टन परचेज हुआ है, 64% के लगभग, तो ये डेटा आप क्यों नहीं दिखाते? मैं सारे डेटा दिखाता हूँ, फिर आप कहेंगे गेहूं का, मैं बताऊं। अब बात गोदी मीडिया के एंकरों की करते हैं और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्णब गोस्वामी की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, बांग्लादेश में मोदी, ममता को मिर्ची। दूसरा, बांग्लादेश का मंच, पाक पर मोदी का महापंच। तीसरा, गुनाहों के बही खाते का बॉस कौन। चौथा, वाजे गेट के राज खोलेगा काजी। पांचवा, 100 करोड़ के खेल का कप्तान कौन। अर्णब ने कई मुद्दों पर अपनी डिबेट में चर्चा की जिसमें विपक्ष और पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। अर्णब ने प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा। देखते हैं वे इस मुद्दे पर क्या जानकारी दे रहे हैं। दुनिया की नजर में आज जो इज्जत भारत और बांग्लादेश की है, क्या वैसा सम्मान कभी पाकिस्तान को मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने 70 साल के इतिहास में क्या किया है? पाकिस्तान से, भारत से दुश्मनी निभाने के लिए उसने अपने देश को दांव पे लगा दिया। बांग्लादेश में आज इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, रोजगार बढ़ रहा है, वहां की GDP बढ़ रही है, तरक्की की राह पर है बांग्लादेश। पर ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी
ये सिर्फ आतंक बढ़ा रहे हैं, गरीबी भुखमरी वहां पे भर रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी अपने लोगों को ध्यान में रखकर नीतिगत फैसले नहीं किए। अब बात करते हैं न्यूज नेशन के सीनियर पत्रकार दीपक चौरसिया की और जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, बांग्लादेश से किसने जोड़ी बंगाल की कड़ी। दूसरा, 2016 में मिनी पाकिस्तान, अब चार नए पाकिस्तान। तीसरा, भारत की सांस्कृतिक विरासत पर किसकी बौखलाहट बढ़ी। चौथा, सीएए पर शाह को कांग्रेस ने क्या दी चुनौती। पांचवा, क्या मंदिर की जमीन पर मस्जिद। दीपक चौरसिया की डिबेट अक्सर हिंदू मुस्लिम या पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर ही होती है। देखते हैं इस बार की डिबेट में वे पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। अगर बंगाल में प्रचार थमते थमते चार नए पाकिस्तान वाली धमकी का वीडियो सामने आ गया। शेख आलम नाम के टीएमसी नेता का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है, जिसमें वो धमकी भरे अंदाज में कह रहे हैं कि 30% मुस्लिम एक हो जाएं तो चार नए पाकिस्तान बन जाएंगे। बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है और वोट के लिए समाज को बांटने का आरोप लगाया है। विवाद बढ़ता देख शेख आलम ने सफाई दी है कि वो बीजेपी के आरोपों का जवाब दे रहे थे। ऐसे में सवाल यही है कि शब्दों की जंग में पाकिस्तान की थ्योरी रखना कितना जायज है। चार चार पाकिस्तान बनाने का ये सपना है टीएमसी नेता शेख आलम का, जिनके विवादित बयान ने पूरे देश का मूड बिगाड़ दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार तो थम गया, लेकिन देश विरोधी बयान देकर टीएमसी नेता ने राजनीतिक मर्यादा को भी तार तार कर दिया। आपने दोनों तरफ के मीडिया को देखा कि कौन किन मुद्दों को तवज्जो दे रहा है। अभी आगे आपको तय करना है कि आपको किस तरह के मीडिया को देखना है। पंजाब टुडे रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.